बहुत खुश हूँ मैं तेल का जो कर रहा है देश के लिए, और मैं बहुत इंस्पायर हूँ। और तेल का मिलके करेंगे एक दिन भाई। आज एम्बुलेंस सेवा फ्री होने जा रही है और इसमें मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी बहन खानजादी। मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो भाई कर रहा है। अभी भाई ने अगर कर दिया तो बहन भी कर लेगी। मेरे घर वाले मेरे भाई, मेरे मम्मी, मेरी बहन, सब लोग बोलते हैं यही कि तहलका के साथ में रहा करो। क्या बात है, तहलका भाई है। क्या बात है, क्या तहलका तुम्हारा भाई है ना। कल्ला बिग बॉस नहीं, कला ये बॉम्बे दिल्ली नहीं, हूँ पंजाब भी भाई दे नाल आया। मैं स्पेशल पंजाब तो आया फिर सिर्फ आही शुभ काम लई, क्योंकि सेवा जिथे जिथे होगी तहलका भाई दी, असी सारी टीम सारा पंजाब इन्हां दे नाल खड़ा होगा। भाई आज एक और बड़ा नेक कार्य भारत देश की जनता के लिए एम्बुलेंस सेवा फ्री करने जा रहा हूँ। आज मैं दिल्ली के अंदर शुरुआत करने जा रहा हूँ, उससे पहले आपको मिलवा दूँ मैं अपनी प्यारी बहन से जिसने बिग बॉस में तहलका मचाया। और अरुण भाई शूटिंग में बिजी है, अरुण भाई ने भी आना था तो तहलका मचाते हैं। और सबके चेहरे पे भारत देश की जनता जिनको जरूरत है उनके चेहरे पे खुशियाँ लाते हैं। कैसी है गुड़िया? ठीक है, मैं बढ़िया। हेलो पूरा तक मिनट टिक 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 तो बोला नहीं भाई। टिक 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 टिक, क्या बात है भाई। खानजादी और मैं आज बहुत खूबसूरत काम करने जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद। मुझे कुछ कहना चाहते अपने भाई के लिए? बहुत खुश हूँ मैं तहलका जो कर रहा है देश के लिए, और मैं बहुत इंस्पायर हूँ। और तहलका मिलके करेंगे एक दिन। बहन का आशीर्वाद है भाई, बहुत बड़ा मतलब इतना आशीर्वाद है कि मैं क्या बताऊँ कि आज इतने खुशी के अवसर में मेरी बहन मेरे साथ खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दुनिया बिजी रहती है, मैंने फोन करा गुड़िया तो फ्री है एक सेकंड में, कहती क्या कर रहा। मैंने कहा मैंने बोला बहन मैं एम्बुलेंस फोन कर रहा हूँ, कहती मैं अभी आई। मैं सच में, और पता है क्या, 4-5 दिन से मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि शूट पे शूट हो रहा है, ट्रैवल कर रही हूँ। लेकिन फिर भी जब तहलका ने ये बात बोली तो मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाई। आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को तो आना ही है, सो मैं आ गई हूँ टू सपोर्ट हिम। तो भाई अभी तो मैं एक गाड़ी लॉन्च कर रहा हूँ दिल्ली में, और मेरा टारगेट है साल के अंदर 10 एम्बुलेंस लॉन्च करना जो फ्री चलेगी, और सबको दूंगा तोहफा, सबके चेहरे पे लाऊंगा खुशियाँ, बस आपका प्यार से आशीर्वाद चाहिए। और मैं देश के लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि तहलका जो कर रहा है, मैं जितनी इंस्पायर हुई इनको देख के, आप लोग भी इतना ही इंस्पायर हो और आप लोग भी यही करो। अपनी सैलरी का कुछ पार्ट डोनेट करो, जिंदगी बदल जाएगी, सुकून मिलेगा, आपको अच्छी नींद आएगी। तो दोस्तों अपनी प्यारी बहन के साथ आज मेरे को ये प्यारा सा आशीर्वाद देने आई है। चेहरा दिखा भाई नलायक, ये बैठी खानजादी इन द हाउस, ऐसा लग रहा है राजस्थान में चल रही है जबकि राजस्थान में नहीं है। भाई आज एम्बुलेंस सेवा फ्री होने जा रही है और इसमें मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी बहन खानजादी। इसने भारत के अंदर तहलका मचा दिया। बिग बॉस के अंदर ना 17 सालों में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके 600 में से 100 कमेंट नेगेटिव ना हो, 200 कमेंट नेगेटिव ना। बहन का रिकॉर्ड, बहन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे आ रही है ना, चाहे इसकी डल रही है वीडियो, चाहे डल रही है फोटो, भाई हर जगह इसके कमेंट पॉजिटिव, भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनता इतना प्यार दे रही है, इतना प्यार दे रही है भाई। खानजादी जहां भी हाथ रख देगी वो चीज सोना हो जाएगी। और आज मेरी बहन मेरी एम्बुलेंस पे हाथ रखने वाली है, और तुम एम्बुलेंस पे हाथ रखे ना गुड़िया, तुमने ये भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरा 22 साल 10 एम्बुलेंस दिल्ली की जनता के लिए फ्री कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही दुआ करने आई हूँ यहाँ पे भाई के लिए, और मैं चाहती हूँ कि भाई हम मिलके भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि जो मैं नहीं कर पा रही हूँ वो भाई कर रहा है। अभी भाई ने अगर कर दिया तो बहन भी कर लेगी। भाई मैंने कर दिया तो उसने भी कर दिया। इसकी बहुत बड़ी तमन्ना है कि इस साल ये बड़े लेवल के लोगों की सेवा करने जा रही है, ये अंदर की बात आपको बता रहा हूँ मैं, और दिल की बहुत साफ है लड़की यार। बस अभी क्या बताएं, अभी तहलका ने तो बिग बॉस में तहलका मचा ही दिया था, मेरा भारत की जनता के दिलों में मचा रहा हूँ। बिल्कुल, और अब पूरे भारत के जनता के दिल में तहलका मचा रहे हैं, और सब भारत की जनता तहलका को बहुत प्यार करता है, और स्पेशली मेरे घर वाले मेरे भाई, मेरे मम्मी, मेरी बहन, सब लोग बोलते हैं यही कि तहलका के साथ में रहा करो। तहलका भाई है। क्या बात है, क्या तहलका तुम्हारा भाई है। तो तहलका ने अब तक जितना काम किया है आप लोगों ने तो देखा ही है। अभी आज तो एम्बुलेंस देने जा रहा है, और स्कूटी भी करी है, साइकिल भी करा है,
और 150 लोगों का खाना आगे जाके और भी तहलका मचाते जाए, ये होता है असली तहलका। अब जो तहलका कर रहा है, तहलका मचाना मतलब लोगों को पहले लगता था बिग बॉस में कि ये क्या बोल रहा है, तहलका मचा देंगे, लेकिन अब जो ये बंदा कर रहा है ना, ये है असली तहलका और यही है जो वो कह रहा था कि तहलका मचा देंगे और अब मचा रहा है। भाई मेरे को ना अपनी बहन की कुछ बातें याद आ गई बिग बॉस के अंदर, वो शायद बिग बॉस ने पार्ट काट दिए। भाई इस लड़की ने ना, मैं आपको बताता हूँ, आज मैंने अपने किसी ब्लॉग में नहीं बताया, आज साथ बैठी है मेरी प्यारी बहन। इस लड़की ने शो शुरू होते ही जो घर के अंदर हड़कंप मचाया था, जो 16 बंदों को जो हिला दिया था वो पार्ट नहीं दिखाया भाई साहब। इस लड़की ने जो बच्चों की एक्टिंग करी, पागल होने की एक्टिंग करी, ऐसे ऐसे करा, ऐसे ऐसे रात को आती 2 बजे उठ के आती थी, ऐसे ऐसे करती थी गेट के पास। ओ तेरी, इतना इसके अंदर मतलब ये थोड़ी बीच में डाउन पड़ गई, नहीं तो ये लड़की भाई दोबारा जाएगी। मैं मेरे को ऐसा मेरे को ये अभी तो लोग बोलेंगे भाई नहीं जाएगी, इसका मन नहीं है, लेकिन ये दोबारा जाएगी और ये ट्रॉफी लेकर आएगी। बहुत बड़ी मेरी जीत हो गई, जीत हो गई यार, ये जो भाई ने कह दिया है ये सुन के मेरी जीत हो गई। और मुझे अच्छा लगा कि तुझे याद है वो सारी चीजें यार। भाई याद क्या, तेरे एक एक पार्ट याद है भाई। पापी गुड़िया मेरे कमरे में ना, दम के कमरे में ऊपर एक वो एंजल बनी हुई थी, ये उससे बातें करती थी रात को। भाई मैं अरुण को बोलता, अरुण भाई डर लगता है मेरे को खानदानी से, ये रात को उठ उठ के बातें करती है, अरुण डर गया। और मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि मैं पता है क्या कहना चाहती हूँ, जब मुझे खाना नहीं दिया था रिंकू जी, जिंदा जी, दील, ऐश्वर्या, तो ये बंदा ठीक है, पहले अरुण को ठीक है, अरुण से मैं इतना क्लोज नहीं थी, लेकिन ये बंदा था जिसने अरुण को बनाया कि देख भाई बहन है, भूखे नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। तो मुझे चोरी करके भी इन्होंने खाना खिलाया और फिर ऊपर से इन्होंने लड़के भी उनसे बात करके भी उलझन को सुलझाया, जैसे घर वाले होते हैं ना, अपना जो बच्चे जब कुछ हरकतें करते हैं फिर जो भाई बाप बहन जो मनाने चाहते हैं, तो ये भी ऐसे ही थे जैसे मेरे भाई है कि कोई बात नहीं, दे दो खाना यार, बच्ची भूखी है। तो बहुत स्वीट था यार वो सारे दिन। भाई इस लड़की ने एक काम और करा, इसका मैं जो स्ट्रॉन्ग बना ना पूरे भारत में, मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी, भगवान का इसने क्या करा, बिग बॉस से बाहर आते ही पीठा तो उसको अंदर नहीं मिला, इसने बोला मैं पीठा दिखाती हूँ, पीठा बनता कैसे हो, खाती कैसे हो। भाई साहब इसने बाहर निकलती पीठा खाया और वीडियो बनाई, वीडियो मेरी बेटी से मिलेगी ना, तो आज तेरा दिल खुश हो जाएगा यार, तेरी बेटी से मिलने एक नूर। तहलका भाई ट्रस्ट में प्यारे प्यारे काम आप देख ही रहे हो मेरे इंस्टाग्राम पे लगातार, कभी कुछ, और आज एक बड़ा धमाका दिल्ली वालों के चेहरे पे खुशी, जो लोग 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करते आ रहे थे अब उनको खर्ची करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एम्बुलेंस चलेगी दिल्ली के अंदर फ्री। भाई परिवार का साथ, मेरी धर्मपत्नी का बड़े लेवल पे साथ, मेरी प्यारी बहन का साथ, माता पिता का साथ, जनता का साथ, मेरी टीम का साथ, तहलका भाई ट्रस्ट की टीम पूरी देख रहे हो आप, टीम को भाई तहे दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और आज बताएंगे तहलका, आजा भाई, जानू भाई। और मेरी प्यारी बहन खानजादी कुछ 2 शब्द कहना चाहेगी, बिग बॉस में तो उसने बहुत सारे शब्द बोले लेकिन आज सिर्फ 2 शब्द। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बिग बॉस में जैसे ये बोलते रहे कि तहलका मचा देंगे, किसी को बात समझ में नहीं आया, लेकिन बस अब सब समझ जाएंगे क्योंकि अब ये तहलका मचा रहे हैं। क्या बात, सुमित भैया कुछ 2 बातें क्या कहना चाहोगे जनता के लिए आप? मेरी फैमिली है, ये दोनों गुड्डे गुड़िया हैं और बहुत अच्छे से जैसे रह रहे हैं ऐसे रहें, और जिस तरीके से समाज का भला कर रहे हैं, इनसे देख के लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, अगर
ये दो लोग मिलके इतना कुछ कर सकते हैं, तो अगर 20 लोग मिल जाएं तो समाज के लिए कितना भला कर सकते हैं। तो बस मिल ही गए भाई, क्या बात, बहुत अच्छा लगता है ये सब करते हुए। बहुत बढ़िया, भगवान आपको तरक्की दे दोनों को। थैंक यू सो मच। अभी जो कर रहे हो उसे 10 गुना और करें भाई। तहलका भाई ट्रस्ट की टीम भी कुछ कहना चाहती है क्या? दो शब्द बोल दो भाई। जानू भाई, नईम भाई, आशीष भाई, वंश। हाँ जी बोलो बेटा। शर्मा जी लगे रहेंगे सारे मेरे भाई। हम लोग ये कहना चाहेंगे तहलका भाई की टीम में जो लोग हैं बहुत प्राउड फील करते हैं, और जिन्होंने और सोचा हुआ है कि हम भाई के साथ आके जुड़े तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े काम आगे बिल्कुल होते जाएंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया भाई। आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई मेरा भाई भाई जी भाजी। और ये छोटा भाई होना पीछे। मैं तुम्हें ये दसना चाहना, कल्ला बिग बॉस नहीं, कल्ला ये बॉम्बे दिल्ली नहीं, हूँ पंजाब भी भाई दे नाल आया। मैं स्पेशल पंजाब तो आया फिर सिर्फ आही शुभ काम लई, क्योंकि सेवा जिथे जिथे होगी तहलका भाई की, असी सारी टीम सारा पंजाब इन्हां दे नाल खड़ा। आओ भैया पर्दा हटाए। ये हमारे प्यारे अमित भाई हैं जिन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया। सुमित भैया, जैसे हमें इस लाइन की नॉलेज कम थी कि एम्बुलेंस में किस तरीके से ड्राइवर को क्या एक नॉलेज देनी है, नया बंदा कहाँ से हायर करें और किस तरीके से पीछे हेल्पर बैठेगा वो कैसे हेल्प करेगा, तो इस भैया ने पूरा साथ दिया मेरा बड़े लेवल पे। जो बंदे एम्बुलेंस के अंदर रहेंगे वो भैया की टीम ही है। वो इतना बड़ा इन्होंने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, पूरी जिंदगी भैया के साथ तहलका मचाना है। और तहलका भाई ट्रस्ट के अंदर भैया का एक बहुत प्यारा सा रोल है जो पूरी जिंदगी साथ निभाएंगे, पूरा साथ रहेंगे। क्या बात, आ जाओ आप पर्दा हटाओ भैया, आ जाओ अभी, आ जाओ पीछे भैया, आ जाओ अमित भाई, इधर चलो दीपिका। अपना उतार दिया, क्या बात है, जबरदस्त। तहलका भाई, तहलका भाई नवरात्रे चल रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीर बजरंगी हर हर महादेव। भाई ये राजू भाई है, मेरी प्यारी सी मॉडिफिकेशन भाई ने करी है, रानी बाग से मेरा भाई है, पूरी मेहनत करी, जान डाली और तहलका मचा दिया भाई। एम्बुलेंस भी भैया ने सजाई है और आज तक मेरी गाड़ियां जितनी सस्ती आई हैं वो सारी भैया ने। तहलका भाई आपकी इस कोशिश के लिए मैं एक छोटा तोहफा लेके आया, प्लीज आप सबको दिखाइए कितना प्यारा आपके लिए लेके आया, चांद को लेके आया। अच्छा जी, बोलो जी, मेरी वाइफ बोलेगी भाई, भाभी बोलेंगे हमारी, आपने वीडियो बनाई मेरे लिए होना चाहिए, पर अरे आपके लिए भाई बनाना वीडियो। राधे राधे भाई, बहुत बढ़िया, राधे राधे। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी एक पहल के लिए, ये आपकी पहल है। चैत्र मासे तिथियां माँ भगवती प्रश्नार्थ में तो, श्री राम प्रश्नार्थ में तो, सबदार प्रश्नार्थ में तो, एम्बुलेंस और समाज सेवा को जानकर चंद्र को तो मेरा जो है बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। चाबी देना, खुला हुआ भैया। चाबी शुभम भैया, चाबी दो, चाबी
और प्यारे भाई तो मेरे साथ खड़े हैं संदीप भाजी पंडित जी, मेरे भाई कुछ लेकर आए हैं, कह रहे कि इनको ओपन करने पे कुछ अच्छा होने वाला है। वृंदावन बिहारी लाल जी जय। पंडित जी भाई आज स्टार्ट कर दोगे आप? अरे हमें तो आता ही है, कोई भी शुभ काम करो। मैं समझ गई। क्या है? बोलने वाली हूँ, बताने वाली। गणपति बप्पा। बोलो गणपति भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब भी कोई काम होता है तो सबसे पहले इनके नाम लिया जाता है। ऐसे कभी सर भूत आना काम हो गए, बहुत समय पे अच्छे समय पे आए हैं गणपति जी। बंद कर दो भैया।